लिखे हम उतना नहीं है कि भला नीतीश जी के बारे में क्या बतावे। लोग उनसे खुश है कि नहीं है? नहीं नहीं, 15 बरस ही शासन किए हैं, ढंग से शासन नहीं कर पाए। ये 15 साल से सत्ता शासन में हम लोग भटक रहे हैं, बीए करके बैठे हुए हम लोग, क्या कर बीए किए हुए। तो वो कह तो रहे 19 लाख रोजगार मिलेंगे इस बार, बीजेपी कह रही है। तेजस्वी यादव भी तो बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, वो 10 लाख से भी दुगना दे रहे हैं, 19 लाख कह रहे हैं। वही तो बोले थे कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसा नहीं है, फिर 19 लाख के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो बीजेपी के वादे पर यकीन नहीं है? यकीन नहीं है। मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से आपसे एक बार फिर रूबरू हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं और एक चरण का मतदान भी हो गया है कल। कल जो है 16 जिलों में 71 सीटों पर मतदान हुआ। मतदान जो है 52% से लेकर 60% तक हुआ है। और इस बार जो है जो नौजवान युवा है जिन्होंने जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनमें बहुत तगड़ा जोश है। वो सरकार के खिलाफ भी है क्योंकि नीतीश कुमार की जो वहां सरकार है उसने लोगों को खुश नहीं किया, यानी सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए वहां पर लोगों में रोष है। एक तरफ पहले जो इलेक्शन हुआ था, पिछली बार जो हुआ था, तो उसमें काफी पार्टियां नीतीश के साथ थी, लालू यादव नीतीश कुमार के साथ लड़ रहे थे। अब जो है वो नीतीश कुमार अलग लड़ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव अलग लड़ रहे हैं। इन 72 सीटों पर जो भी समीकरण है उसमें जातीय समीकरण अलग अलग है। आपको सब मालूम है कि किस किस तरीके से वहां पर इलेक्शन होता है। वहां दबंगई का भी अपना हुआ है, वहां पर जो लोग है अपना जातीय समीकरण भी बहुत ज्यादा चलता है। इन 71 सीटों पर जो कल वोटिंग हुई है उसमें जो पिछली बार किसके पास कितनी सीटें थी तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें पिछली बार जो थी सबसे ज्यादा यहाँ पर RJD के पास थी, यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के पास इसमें सबसे ज्यादा सीटें थी और उनके पास थी 27 सीटें। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के पास जो थी वो थी 18 सीटें, बीजेपी के पास 13 सीटें थी और कांग्रेस के पास 9 सीटें थी, और 5 जो सीटें थी वो अदर हम थे और जो लोग वहां पर लड़ने की पार्टी है उनकी थी। उसमें से आपके जो है आपके जो इलेक्शन हुआ है तो ये टोटल मिला के ये समझ लीजिए इस वक्त जो सरकार है, पहले जब सरकार बनी थी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की बनी थी मगर बीच में टूट गई थी तो वो बीजेपी से अलायंस कर लिया, तो बीजेपी की और नीतीश कुमार की मिला के 31 सीटें होती है और कांग्रेस की और लालू प्रसाद यादव की जो सीटें मिला के होती है वो होती है 36 सीटें। यानी अभी जो है दोनों की अपनी अपनी पकड़ जो है कांग्रेस की और RJD की जो है वो है 36 सीटें, यानी इन्हें 36 सीटें तो बचा के रखनी रहेगी क्योंकि इनका इनके सीटिंग विधायक है। इसके बाद ये जो 31 सीटें हैं बीजेपी की और नीतीश कुमार जी की इसमें से कितनी सीटें ये ला सकते हैं ये कल के मतदान से पता चल गया है, क्योंकि वहां पर जो सर्वे हो रहे हैं जो लोगों के व्यूज हैं वो ये बता रहे हैं कि महागठबंधन को वहां पर काफी लंबी बढ़त मिल सकती है क्योंकि वहां पर लोगों में रोष है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पहले चिराग पासवान नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ लड़ रहे हैं, अब चिराग पासवान और नीतीश कुमार अलग अलग लड़ रहे हैं मगर NDA के घटक में है वो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो है चिराग पासवान मगर उनके साथ नहीं है नीतीश कुमार के, तो उसका भी असर पड़ेगा क्योंकि जो पहले कैंडिडेट थे कम से कम 8 कैंडिडेट चिराग पासवान के यानी रामविलास पासवान की पार्टी के वो दूसरे नंबर पर थे, तो वो जब इनके साथ थे तो इसलिए वो थे। अब उनका ये आपसी सामी जो जातीय समीकरण उसमें भी ये टूट हो जाएगी तो ये अब और भी डाउन आ जाएगी। तो इसके हिसाब से जो अब जो इस बार जो इस 71 सीटों पर जो लड़ाई हो रही है उसमें से सबसे ज्यादा सीटें 42 सीटें जो हैं वो RJD के पास है, 42 कैंडिडेट RJD के लड़ रहे हैं और यूनाइटेड जनता दल यूनाइटेड के 35 विधायक लड़ रहे हैं और बीजेपी के 35 लड़ रहा है, कांग्रेस के 21 लड़ रहा है, यानी 21 और 42 को मिलाया 63, बाकी जो और 8-9 सीटें हैं वो इनके गठबंधन लड़ रहे हैं। ऐसे ही 29 और 35 64 इनके भी इतने ही लगभग दूसरे और पार्टियां लड़ रही है। इस बार अगर सब कुछ
पहले जैसा नहीं रहा तो बहुत ज्यादा इसमें फर्क आ जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस बार जो हो रहा है वो बिल्कुल हटके हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता कि जिस जिले में इलेक्शन हो उस जिले में उस प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर रैली करे, मगर ऐसा कल हुआ। कल पटना में जो रैली हुई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार ने अपने जो तकरीर की उसमें तो उन्होंने कुछ ऐसा किसी के लिए नहीं कहा, उन्हें दिख रहा है कि मेरी सत्ता खिसक रही है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना तेजस्वी यादव को जो उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज, यानी जो पिछले 15 साल से पहले जो लालू प्रसाद यादव जी जब वहां के मुख्यमंत्री थे और उनके सामने उसको इन्होंने जंगल राज घोषित किया, उसके युवराज तेजस्वी यादव को इन्होंने बताया। वहीं पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को जनरल डायर बताया। तो ये इस तरीके की लड़ाई जो चल रही है पूरे देश में इस वक्त जो माहौल है उसको हमें समझना पड़ेगा। और जो जातीय समीकरण है हमें अब जातीय समीकरण से ऊपर उठ के देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। जो हमारे देश में एक अच्छा माहौल कायम हो इस तरीके से हमें इलेक्शन में वोटिंग करनी चाहिए। जो कैंडिडेट अच्छा हो हमें उसे जिताना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि कौन हमारे देश का विकास कर सकता है, कौन हमारे देश का विकास नहीं कर सकता। आज जो देश की हालत है उसके ऊपर सबकी नजर है, खास करके बिहार में जो इलेक्शन हो रहा ये हमारे लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। हमें इस पे बहुत ध्यान से बिहार के वोटर्स को देखना है कि किस तरीके से उन्हें वोट करना है और क्या करके किस तरीके से किसको जिताना है। ये जिम्मेदारी बिहारियों की, बिहारी वासी है, क्योंकि इन चीजों में बहुत ज्यादा माइंडेड होते हैं और उनके यहाँ का जो इलेक्शन का वातावरण होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें 3 दिन पहले जो बीजेपी ने अपना प्रचार किया था तो पेज के ऊपर, पूरे पेज के ऊपर सिर्फ मोदी जी दिख रहे हैं। मोदी जी नीतीश कुमार जी को भी अपने साथ रखना नहीं चाह रहे, वो सिर्फ बीजेपी को दिखाना चाह रहे हैं। मगर कल जो आया, कल जो प्रचार आया रैली का, तो उसमें नीतीश कुमार जी को मोदी जी के साथ दिखाया गया। इसको समझना काफी टिपिकल है, मगर मैं आपको बता दूं कि जो ये 71 वोटों का जो 71 सीटों का जो वोटिंग हुई है ये पूरे बिहार के इलेक्शन के लिए, जो अब 3 तारीख को दूसरा चरण होगा उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। इसका असर काफी लंबा वहां पर पड़ेगा और उसके बाद जो 7 तारीख को होगा उसमें भी इसका इलेक्शन दिखेगा। कल जो हुआ है 16 जिलों में इलेक्शन हुआ है जिसमें से 71 सीटों पे वोटिंग हुई है। 1,91,00,000 वोटर है कल, और आप इसमें से समझ लीजिए 52 से लेकर 60% तक वोटिंग हुई है। टोटल जो कैंडिडेट कल 71 सीटों पे लड़े हैं वो 1,066 लड़े, यानी कि 1,066 आदमियों की जो किस्मत है वो उसमें ईवीएम मशीन में बंद हो गई। मैं आपको बता दूं कल कई जगह पर ईवीएम मशीन भी खराब हुई जिसमें लोगों में काफी रोष था, वहां पे लोगों में गुस्सा था और बहुत से लोग ईवीएम मशीन को गलत बता रहे थे। ईवीएम मशीन से इलेक्शन होना नहीं चाहिए, बैलेट से होना चाहिए। मशीन से जो एक हमारे देश में पहले ये था कि बहुत साफ सुथरे इलेक्शन होते हैं उसकी छवि बिल्कुल खराब हो गई ईवीएम मशीन। जब से हमारे ईवीएम मशीन आई है तब से पूरे देश की जो ये प्रक्रिया है इसमें लोगों के सवाल जवाब होने लगी। जबकि पहले जब बैलेट से होता था टाइम तो लगता था मगर उसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं आती थी। उसमें आज की डेट में तो लोग कहते हैं हैंग कर लिए, कहीं कुछ कर लिए, 1-2% की कुछ गड़बड़ होती थी उसको आदमी समझ लेता था। मगर ईवीएम मशीन से काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, लोगों में रोष है, लोग इसको कई बार गलत साबित करते हैं कि ये जहां भी सरकार बन रही है ईवीएम मशीन की गड़बड़ी से बन रही है, कुछ बन रही है। मैं आपको 2-3 इसकी वीडियो दिखाता हूँ, आप उसको देखिए। उसके अलावा मैं तमाम बिहार वासियों से और अपने देश के लोगों से ये इल्तजा करता हूं कि देश के कानून के ऊपर हमें कायम रहना है। देश के जो हमारे संविधान है हमें उसको सबसे ऊपर रख के देखना, जो संविधान कहेगा वो हमारे लिए मान्य होगा। मेरी अगर ये बात आपको सही लगी है, थोड़ी मेरी वीडियो सही लगी है, तो इसे आप शेयर कीजिए और हमारे ग्रुप को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।